Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे आप वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू ये जान सकते हैं पीरियड डेट से पहले ही कि इस महीने आपको पीरियड आएगा या प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज एक ऐसा साइन है, यानी वजाइनल डिस्चार्ज हर एक महिला का निकलता है। तो वजाइनल डिस्चार्ज में कुछ बदलाव होते हैं पीरियड आने से पहले भी, जो दर्शाते हैं कि आपका पीरियड आएगा, और कुछ ऐसे बदलाव भी होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुके। तो ये किस तरीके के बदलाव होते हैं और कैसे आप पता कर सकते हैं ये बदलाव आपके प्रेगनेंसी के हैं या पीरियड के, ये इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं पीरियड डेट से पहले कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे साथ पूरी वीडियो तक बने रहिए ताकि आपको समझ आए, क्योंकि आधी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आधा समझ आएगा और आधा समझ ही नहीं आएगा, जिससे आप नहीं पता कर सकेंगे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई। सो गाइस, देखिए होता क्या है, ओवुलेशन से पहले फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे चला जाता है तो फीमेल की बॉडी से वजाइनल डिस्चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो दर्शाता है कि फीमेल का ओवुलेशन होने वाला है, यानी ओवरी से एग रिलीज होने वाला है। जब ओवरी से एग रिलीज हो जाता है तो उसके बाद फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करना शुरू कर देता है, और अगर ओवुलेशन के दौरान फीमेल का एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो ओवुलेशन के पांचवें दिन के बाद से फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन के 14वें दिन बाद फीमेल्स को पीरियड आ जाती है। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ओवुलेशन के बाद से ही फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज रहते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो क्या होता है गाइज, अगर ओवुलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो जैसे कि मैंने बताया कि हार्मोन कम होना शुरू हो जाते हैं, तो हार्मोन कम होना शुरू हो जाते हैं तो जो फीमेल का वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो भी ड्राई सा निकलना शुरू हो जाता है, या क्लाउडी भी हो सकता है, स्टिकी भी हो सकता है और ग्लूई भी हो सकता है। और ओवुलेशन के बाद कई फीमेल्स में इन्फेक्शन की भी शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत गाढ़ा दही टाइप भी डिस्चार्ज निकलता है, तो ये एक इन्फेक्शन का साइन है, ये प्रेगनेंसी का साइन नहीं है। बट अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ओवुलेशन के पांचवें दिन के बाद से आपको वजाइनल डिस्चार्ज में कुछ ऐसे बदलाव देखेंगे जो आपको फर्स्ट टाइम दिखेंगे गाइस। उससे पहले आपने ऐसे बदलाव बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, एक तो रैपिडली हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल की बॉडी में इंक्रीज रहता है, साथ में ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होने लग जाता है, और वजाइना की जो वॉल्स होती हैं वो भी सॉफ्ट होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो वजाइनल डिस्चार्ज का कलर होता है, सबसे पहले वो वाइट हो सकता है, मिल्की वाइट हो सकता है, क्रीमी वाइट हो सकता है, येल्लो हो सकता है और पेल येल्लो हो सकता है। और जो अर्ली प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी होती है वो पानी की तरह होती है, पतली कंसिस्टेंसी होती है। जो अमाउंट होता है अर्ली प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज का वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, जैसे आपको पहले दिन थोड़ा दिखेगा, फिर दूसरे तीसरे दिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती रहती है तो वो डिस्चार्ज भी इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ये नॉर्मल साइन है, और ये डिस्चार्ज फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होने से भी रोकता है। इसके अलावा जो अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज का अमाउंट होता है ये हल्का सा आपको स्टिकी होगा, ज़्यादा स्टिकी नहीं होगा, हल्का सा स्टिकी हो सकता है, थोड़ा मोटा भी आपको लग सकता है, और इसके साथ इसमें एज सच कोई स्मेल नहीं होती, स्मेल भी होगी बहुत माइल्ड सी स्मेल होती है, और बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होता है अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज। एंड इसके साथ जो अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है ये कभी भी ड्राई नहीं होता, हमेशा आपको अपनी पैंटी में गीला गीला सा फील होगा, वेट सा डिस्चार्ज होगा जो आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो गाइस, इस तरीके के वजाइनल डिस्चार्ज से आप अपनी प्रेगनेंसी को पीरियड डेट से पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पीरियड के बाद से ही अपने वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस करना पड़ेगा। एंड यही है आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।